न्यूज बिहाइंड न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी दो ही चीजें चर्चा में हैं, नंबर वन की यार गर्मी कितनी है और नंबर टू इलेक्शन चल रहे हैं। तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारी न्यूज आपने पढ़ ली होंगी, जैसे केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, राहुल गांधी शायद डिसाइड करेंगे 4 के बाद कि जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जो चीजें हमें पढ़नी है अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल थिंग, वो मैंने इस वीडियो में कलेक्ट करके रखी है आपके प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत काम की हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहली चीज बेसिक्स, इलेक्शन के बेसिक्स से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये 18th लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, यानी 18 बार इलेक्शन हो चुके हैं लोकसभा के और ये 18th लोकसभा के इलेक्शन अभी अभी खत्म हुए हैं। तो पहला इलेक्शन कब हुआ था? पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, ठीक है? सबसे पहले तो आप इसको याद रखना, दिस इज द 18th इलेक्शन। अब राज्यसभा के पूछे तो आप कहना कि तुम हो बुद्धू, क्यों? क्योंकि भैया राज्यसभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होती, इट इज अ परमानेंट हाउस, तो उसके कोई इलेक्शन नहीं होते। उसके क्या होते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और फिर नए इलेक्शन में होते रहते हैं। कोई 18वीं राज्यसभा या लोकसभा नहीं है, ये 18वीं लोकसभा है, सॉरी 18वीं राज्यसभा नहीं हो सकती। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोला गया है 530 सीट्स हमने स्टेट के लिए छोड़ रखी हैं, 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए। लेकिन अभी कितना, 543 की हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो ये याद रखना। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543। 7 क्यों छोड़ दी? अब वो 7 इसलिए छोड़ दी कि कभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पाकिस्तान के कब्जे में, चाइना के कब्जे में, वो हमारे पास में आ जाए, क्या पता भूटान ही हमारा पार्ट बन जाए, तो वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे। तो इसलिए वो 6-7 सीटें छोड़ी जा चुकी हैं। लेकिन इलेक्शन हुए थे 542 सीट्स के लिए, यानी एक सीट का इलेक्शन नहीं हुआ। कौन सी सीट का? वो सीट थी सूरत। सूरत में इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां बीजेपी के मुकेश दलाल नाम के एक व्यक्ति, ये इनका नाम है, ये जो व्यक्ति हैं ये इलेक्ट हो गए फ्री में, मतलब इनका कोई अपोजिशन किया ही नहीं, इलेक्शन से पहले ही इलेक्ट होकर के बैठ गए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 542 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था, मुकेश दलाल पहले ही इलेक्ट हो गए थे। 4 स्टेट्स के इलेक्शन भी साथ साथ में हुए, अरुणाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। बल्कि अरुणाचल और सिक्किम के तो आज रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सिक्किम में भारत का अकेला स्टेट है जहां पे एक सीट रिलीजियस पर्संस के लिए रखी गई है, बुद्धिस्ट मंक्स के लिए एक सीट है। तो वहां बुद्धिस्ट मंक खड़े होते हैं, यानी साधु खड़े होते हैं, और उनको जो वोट डालते हैं वो भी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट साधु या बुद्धिस्ट मंक होते हैं, उनके वोट से ही वो इलेक्ट होते हैं। तो ये व्यवस्था कहां पे है, केवल सिक्किम में है, याद रखना, अरुणाचल में नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, अरुणाचल भी बुद्धिस्ट मेजोरिटी स्टेट है। नाउ खैर, सिक्किम बुद्धिस्ट मेजोरिटी नहीं है, हिंदू मेजोरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारा जो सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसके अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं लेकिन हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 324। यहां लिखा नहीं है लेकिन रट लेना, करेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रेलेवेंट समझी जाती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। पहले का नाम मैं बता देता हूं, पहले थे मिस्टर सुकुमार सेन, अभी वाले का नाम याद रखना, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, लोकसभा का टेन्योर किस में दे रखा है, 83 नंबर आर्टिकल में। टेन्योर मतलब कि 5 ईयर्स के लिए होगा। तो होना क्या है, 16 जून को 17वीं लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके पहले हमको नई लोकसभा इलेक्ट करके वहां बिठा देनी है, खाली नहीं रहना चाहिए कि लोकसभा है ही नहीं इस देश में, ठीक है। स्पीकर का टेन्योर ये बताया गया है 94 में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनो, पॉलिटी में पढ़ी होगी, मैं रिवाइज करा देता हूं। लोकसभा का टेन्योर खत्म भी हो जाए तो भी स्पीकर का टेन्योर खत्म नहीं होता है। स्पीकर का टेन्योर तब खत्म होता है जब नई लोकसभा बैठने वाली होती, जैसे ही नई लोकसभा बैठे ना, उसके 1 मिनट पहले या कह लो 1 सेकंड पहले स्पीकर का टेन्योर खत्म हो जाता है। और कौन आता है, नया स्पीकर, नहीं, प्रो टेम स्पीकर, स्पीकर प्रो टेम कहा जाता है। तो जो बड़ा सीनियर सा आदमी होता है लोकसभा में, उसको प्रो टेम स्पीकर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, 2-3 और लोगों को बोल देते हैं
भैया तुम्हारा काम क्या है, सभी लोकसभा के जितने भी चुन करके आए हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिला है विनिंग का, उनको सबसे पहले शपथ दिलाओ, ठीक है। जब वो शपथ ले लेंगे, फिर वो अपने बीच से लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वगैरह चुनेंगे, तब तक तुम ही स्पीकर हो। तो प्रो टेम, टेम्प्रेरी स्पीकर एक चुना जाता है, वो होता है, वो किसी कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये एक कन्वेंशन है। इलेक्शंस किसके अंडर में होते हैं, तो एक लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इस एक्ट के अंदर में इलेक्शन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज डेटा, कुछ छोटा छोटा डेटा। इस वाले इलेक्शन में 96.8 करोड़ इलेक्टर्स हैं, दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे बड़ी कंट्री भी है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 100 करोड़ तो हमारे यहाँ वोटर ही होने वाले हैं। 7 फेजेस में इलेक्शन हुआ, आज तक एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो 3 बार कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीत गया था, जवाहरलाल नेहरू 1952 में भी जीते, हालांकि प्राइम मिनिस्टर 1947 से थे, बट इलेक्शन फेस किया उन्होंने 1951-52 में, उसके बाद फिर 1957 में और 62 में, तो तीनों इलेक्शन वो जीते थे, जिंदगी में 3 इलेक्शन उन्होंने लड़े थे लोकसभा के। वैसे ही अगर एग्जिट पोल सही है तो हो सकता है मोदी जी का नाम इसमें जुड़ जाए, ऐसा कोई और प्राइम मिनिस्टर अभी तक तो नहीं हुआ है। ईवीएम पहली बार कब यूज हुई थी, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई ईवीएम को लेकर के इस बार, 1982 में पारावुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी केरल में, वहां पे ईवीएम यूज हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया आरपीए को अमेंड करो, ऐसे नहीं होगा, तो आरपीए अमेंड करने के बाद बड़े लेवल पे ईवीएम यूज होना शुरू हुआ। होमवर्क, पहली बार किस लोकसभा में ईवीएम्स लागू की गई, ईवीएम्स यूज हुई थी, ये आपको पता करना है। चलो अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक बहस चल रही है, क्यों, लोग कहते हैं कि टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, ठीक है, लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे इस समय लोकसभा में क्या बजट वगैरह नहीं आया, क्यों, मतलब इंटरिम बजट आया, फुल बजट नहीं आया, क्यों, क्योंकि इलेक्शंस होने थे, स्टेट्स के भी अपने धंधे बंद हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया जो ये स्कीम्स हैं ये बंद ना हो जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज ना हो जाए, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंदर में रहता है चुनाव के टाइम पे, इसलिए 5 साल में एक ही बार इलेक्शन कराओ, ये नहीं कि हर साल कोई ना कोई इलेक्शन है, अभी एक लोकसभा का इलेक्शन है, फिर अगले साल निकाय के चुनाव हो जाएंगे, फिर विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, 5 साल में 3 चुनाव तो हर स्टेट में होते हैं, ऊपर से बाई इलेक्शंस होते रहेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, अब मान लो विधानसभा में किसी की नहीं आई मेजोरिटी, तो वहां दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे 1-2 साल बाद, जब भी सरकार गिरेगी, या लोकसभा में ही मेजोरिटी नहीं आई, 1-2 साल बाद दोबारा इलेक्शन कराएंगे, तो क्या दोबारा सारी विधानसभाओं के भी इलेक्शन साथ में करा दोगे? ऐसी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी किसके अंदर में थी, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड फाइनली एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या चीज है, ध्यान देना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी लॉ में नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की पावर है 324 में, तो वो करा लेता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जैसे ही वो अनाउंस करता है, प्रेस रिलीज करता है, डेट की टीवी पे आता है, तुरंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही सरकार फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी स्कीम्स नहीं निकाल सकती, लोगों के लिए नई नौकरियां निकालने में वो करती है कि भाई हम नहीं निकाल सकते, यहां तक कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाती है, वो अपॉइंट और ट्रांसफर भी करता है कि फलाना एसपी यहां नहीं है, इसको भगाओ यहां से, नया एसपी लेकर के आओ, नया डीएम लेकर के आओ, कर सकता है इलेक्शन कमीशन, करता है जहां उसे जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। केरला में 1960 में पहली बार वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला ऐसा होना चाहिए, फिर 1962 में इलेक्शन कमीशन ने सारे स्टेट्स को भेजा, बोला ऐसा कर सकते हैं क्या, और उसके बाद फिर धीरे धीरे होते होते इसका इवोल्यूशन होता गया, लेकिन 1991 तक कुछ खास नहीं था, बस नाम का था, कुछ नहीं होता था, रूलिंग पार्टी जो चाहती थी वो करती थी। 1991 में सरकार कमजोर हुई, नए इलेक्शन कमीशन आए, कमिश्नर आए टीएन सेशन, बड़े मतलब आईएएस ऑफिसर थे जैसे पुराने होते थे, तो उन्होंने कहा कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, पॉलिटिशियंस को तो मैं नाश्ते में खा लेता हूँ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करेंगे, और उन्होंने पहली बार बहुत सख्ती से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाया।
सब कुछ होता है इसमें कि किस तरह के भाषण देते हो, कितने भाषण दे सकते हो, जहां जाओगे परमिशन ले रखी है कि नहीं ले रखी है, ठीक है, हर तरह की चीज इसमें इंक्लूडेड होती है कि आप 48 घंटे पहले आपको खत्म करना पड़ेगा अपना, ऐसा नहीं है कि आप चुनाव के 48 घंटे पहले अपने जो इलेक्शन सिंबल्स है वो दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, 50 चीजें इसमें रहती हैं। तो वो सारी चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। एक ही क्रिटिसिज्म है इसका मेजर, वो ये कि आप इसमें इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ये मीडिया तक पे लगाम लगा के रखती है कि भैया एग्जिट पोल मत दिखा देना, एग्जिट पोल अब आए हैं कल, क्यों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ने मना किया था। तो ये है आपकी न्यूज बिहाइंड न्यूज, कैसा लगा आपको एपिसोड जरूर बताइएगा। जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बाय बाय।